आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सभी तहसीलों में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के रडार पर राजस्व टीम के अधिकारी, संयुक्त टीम पर एसपी के तेवर सख्त। जहां एक तरफ समय समय पर शासन की मनसानुरूप आला अधिकारियों की निगरानी में तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुनकर कुछ का निस्तारण तत्काल किया जाता है, जबकि ज्यादातर मामलों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। हालांकि जनपद में गठित संयुक्त टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई का अवलोकन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले जनपद भदोही में आ रहे हैं जिसमें निर्देश के बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में तहसील भदोही अंतर्गत एक गांव में भूमिधरी जमीन पर जबरदस्ती कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका निराकरण अब तक तहसील की बात तो छोड़ दी जाए जनपद के आला अधिकारी भी नहीं कर पाए हैं। वहीं एक और बड़ी घटना का जिक्र किया जाए तो तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत बिरासपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक जमीन जिस पर दीवानी वाद चल रहा था, मामला मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी पुलिस तक पहुंचा तो यूपी पुलिस ने संबंधित मामले पर ट्वीट किया। इसके बाद जनपद प्रशासन हरकत में आया और अवैध रूप से चल रहे काम को रोक दिया गया। पीड़ित को जमीन की नाप कर मामले के निस्तारण का आश्वासन दिया गया, लेकिन 2 से 3 दिन में फिर अवैध रूप से काम शुरू हुआ। संयुक्त टीम के अधिकारियों को बार बार फोन लगाया गया। तहसील ज्ञानपुर के राजस्व अधिकारी पुलिस की जिम्मेदारी बताते और पुलिस के अधिकारी तहसील ज्ञानपुर की जिम्मेदारी बताते। इसी तरह धीरे धीरे पीड़ित ऑफिसों के चक्कर लगाता रहा और न्याय एड़िया रगड़ने को मजबूर हो गया, अर्थात पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है। राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है या नहीं हुआ है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन पूरे जनपद में इस बात की चर्चा है कि जनपद के एक प्रतिष्ठित राजनेता अक्सर मामलों में अपना हस्तक्षेप करते हैं। इस संबंध में तहसील के एक अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने निर्देशित कर दिया था, अब जिम्मेदारी पुलिस की है। जनपद के आला अधिकारियों से एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर संयुक्त टीम के समन्वय में इतना बड़ा अंतर क्यों? कहीं ना कहीं संयुक्त टीम की लगाम कसने की आवश्यकता है। 15 जुलाई को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील भदोही में विंध्याचल मंडलायुक्त डॉक्टर मुत्तु कुमार स्वामी भी, जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य, उप जिलाधिकारी शिवप्रकाश यादव, तहसील औराई में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, उप जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार साहू व पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रभात सिंह, वहीं तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिवनारायण सिंह, उप जिलाधिकारी आकाश कुमार व अन्य अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारण किया गया। तहसील दिवस के दौरान कुछ ऐसे भी मामले रहे जिसमें फरियादी कई दिनों से ऑफिसों का चक्कर लगा रहे थे लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं मंडल व जनपद स्तरीय आला अधिकारियों को ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ा रुख अख्तियार करने की आवश्यकता है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इस दौरान तीनों तहसीलों में विभिन्न योजनाओं की जानकारी से संबंधित कैंप भी लगाए गए ताकि आम जनमानस को जागरूक किया जा सके। मंडलायुक्त व जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील भदोही में कुल 53 फरियादियों के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें से मंडलायुक्त व जिलाधिकारी द्वारा 8 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 45 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस दौरान कमिश्नर व जिलाधिकारी लापरवाह राजस्व कर्मियों पर सख्त नजर आए और संबंधित को निर्देशित किया कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाए जो अपने काम को ठीक ढंग से संपादित नहीं कर पा रहे हैं और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। हालांकि इस निर्देश का कितना पालन होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि प्रत्येक तहसील दिवस में इसी तरह के आदेश दिए जाते हैं और फिर भी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि संयुक्त टीम जब मौके पर जांच करने जाए या किसी मामले का निस्तारण करने जाए तो फोटोग्राफ्स और वीडियो अवश्य बनाएं। हालांकि
पुलिस अधीक्षक की सख्ती के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी अपनी लापरवाही वाली आदतों से बाज नहीं आते हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा कार्रवाई करने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। वहीं तहसील ज्ञानपुर में नवनियुक्त अधिकारियों में जानकारी का अभाव अक्सर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लगातार टाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को आला अधिकारियों के मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। इसी क्रम में तहसील औराई में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा 66 प्रार्थना पत्रों में 8 का निस्तारण तथा तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व उप जिलाधिकारी आकाश कुमार द्वारा कुल 32 प्रार्थना पत्रों में 12 का निस्तारण किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ तहसील भदोही से रोशनी मल्होत्रा, तहसील औराई से कृष्णा दुबे और तहसील ज्ञानपुर से विकास मिश्रा व पिंटू तिवारी की संयुक्त रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।